प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की आगे बात करते हैं। कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पूरी काशी नगरी में भव्य सजावट हुई। इस खास मौके पर बीजेपी शहर के हर एक घर में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद पहुंचाएगी, जिसके लिए लाखों लड्डू बनाए गए। दुनिया को कल से सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी वाराणसी की और भी भव्य तस्वीर दिखेगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर में माथा टेकेंगे और फिर गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बहुत बदल गया, बहुत अच्छा हो गया। मोदी जी की अच्छाइयों से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। हाँ, ये तो अभी भगवान की कृपा है उनके ऊपर है कि और भी अच्छा हो। हम मोदी जी को आने पर है, सारा अभिषेक होगा, सारा कार्यक्रम होगा, अच्छा से अच्छा होगा उनके नेतृत्व में। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी तरह तैयार है। इसमें छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में महारानी अहिल्याबाई की प्रतिमा, वाराणसी गैलरी और गीता प्रेस का स्टॉल बनाया गया है। कॉरिडोर में मंदिर परिसर के चारों तरफ ध्यान केंद्र भी बनाया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिर में 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं चारों दिशाओं में, और आप ये देखिए इसकी तस्वीरें। एक सबसे बड़ा जो प्रवेश द्वार है गंगा नदी के किनारे से, वो आपको ये दिखाई देगा, और काफी भव्य और दिव्य तरीके से इस प्रवेश द्वार को भी बनाया गया है। जो पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो काफी आप कह सकते हैं कि काफी विशेष पत्थर है, और इसके साथ ही साथ लाइटिंग की गई है इन पर सभी प्रवेश द्वारों पर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने से अब श्रद्धालु गंगा तट से गर्भगृह तक आएंगे और यहीं से वापस जाएंगे। उन्हें गलियों और तंग रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सीधे आप देखिए गंगा नदी के किनारे ललिता घाट से जुड़ गया है। अब श्रद्धालु कुछ इसी तरह से गंगा जल में स्नान कर या आचमन कर आगे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे, और ये पूरा रास्ता बनकर तैयार है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी रास्ते से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जाएंगे। यानी अब गंगा की लहरें सीधे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से टकराएंगी और लोग यहां से आचमन कर गंगा जल लेकर सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर सकेंगे। ज्ञानकूप और नंदी के स्थान का भी जीर्णोद्धार किया गया है। काशी विश्वनाथ के चारों तरफ 4 बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। बीजेपी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और लोकार्पण कार्यक्रम के बाद बाबा विश्वनाथ का प्रसाद घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इस शुभ मौके पर वाराणसी के करीब 8 लाख घरों में लड्डू बांटे जाएंगे। इसके लिए लाखों लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।